हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। व्हाट्सएप हमेशा से ही अपने प्लेटफॉर्म को यूजर्स के लिए और बेहतर बनाने को लेकर इसमें कई अपडेट्स करता रहता है, जिसके बाद अब व्हाट्सएप के नए फीचर को लेकर खबरें आ रही हैं। खबरें ये हैं कि अब इसके वेब वर्जन यानी कि डेस्कटॉप और लैपटॉप से भी यूजर्स वॉइस और वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे, यानी कि व्हाट्सएप अपने वेब वर्जन पर जल्द ही वॉइस और वीडियो कॉल सपोर्ट को लेकर आने वाला है, जिस पर कंपनी ने काम करना भी शुरू कर दिया है। दरअसल ये जानकारी व्हाट्सएप के फीचर्स पर ध्यान रखने वाली कंपनी वबीटा इन्फो की एक रिपोर्ट में सामने आई है। फिलहाल ये फीचर बीटा में है। कंपनी इस फीचर को पब्लिक के लिए जारी करने से पहले इस पर टेस्टिंग कर रही है। वबीटा इन्फो ने न सिर्फ इस फीचर को टेस्ट किया है बल्कि इसके स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं। शेयर किए गए स्क्रीनशॉट्स में देखा जा सकता है कि जब भी आपको अपने डेस्कटॉप पर व्हाट्सएप वेब इस्तेमाल करते हुए कॉल आती है तो एक पॉपअप विंडो खुल जाती है, जिसमें कॉल को उठाने और काटने का ऑप्शन दिखाई देता है। इन दो के अलावा एक इग्नोर का भी ऑप्शन आता है। वहीं कॉल करते हुए भी एक छोटी विंडो खुलती है, जिसमें वीडियो स्टार्ट करने, म्यूट करने और डिक्लाइन करने जैसे ऑप्शंस शामिल हैं। जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि इस नए फीचर के आने के बाद यूजर्स को अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप पर काम के बीच कॉल और वीडियो कॉल करने की सुविधा मिल पाएगी। उन्हें कॉल करने के लिए डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप से फोन की तरफ स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस फीचर को लेकर क्या कुछ कहते हैं, ये आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।